भय्यू महाराज आत्महत्याकांड में और भी कई नए तथ्य सामने आए हैं। उनकी बहनों का यह कहना है कि कई बार तो हमें भी महाराज से नहीं मिलने दिया जाता था, लेकिन जो रहस्यमय युवती है वह तो महाराज के कमरे में घुसी ही रहती थी। यह भी कहा गया है कि महाराज की पहली पत्नी की मौत के बाद एक बार जब उनकी बहन अंदर गई तो रहस्यमय युवती उन्हें दवा खिला रही थी और दवा का जो रेपर उसने नीचे फेंका उसे विनायक ने छिपा दिया। बाद में इस रेपर को जब भय्यू महाराज की बहन ने अपने डॉक्टर पति के पास बताया तो उन्होंने कहा कि जो डोज महाराज को दिया गया है वह पूरा नहीं दिया जाना चाहिए, वह एक साइकोट्रॉपिक दवा थी जिससे गहरी नींद आती है। कुल मिलाकर उनकी बहन का यह भी कहना है कि सेवादारों और युवती ने मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि उन्होंने भय्यू महाराज को मानसिक रूप से कमज़ोर कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि युवती अपने तरीके से काम करती थी और आए दिन भय्यू महाराज के साथ मनचाहा बर्ताव करती थी। यह भी बताया जा रहा है कि युवती को भय्यू महाराज द्वारा उसकी बहन की शादी के लिए 43,000 का लहंगा और सोने की चेन दिलाई गई थी। कुल मिलाकर ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि भय्यू महाराज किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। DIG हरिनारायण चारी मिश्रा भी इस बात से सहमत हैं कि युवती द्वारा महाराज पर दबाव डाला जाता था। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।